आज 26 फरवरी है और सुबह के दोपहर के 11 बजे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए निकलने में और अभी हम यहाँ बेलूर में हैं। बेलूर से आज का हमने प्लान बनाया है, पहले चिकमगलूर होते हुए मुल्लायनगिरी जाएंगे। और मुल्लायनगिरी जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, वो 1900 प्लस मीटर पे है, 1900 से भी ज़्यादा। फिलहाल जो बेलूर है, बेलूर 1000 मीटर के आसपास है, चिकमगलूर भी 1000 मीटर के आसपास है। और कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मुल्लायनगिरी, जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं, वो यहाँ से बेलूर से 60 किलोमीटर है। तो मुल्लायनगिरी जाएंगे और मुल्लायनगिरी से फिर हम जाएंगे कुद्रेमुख ट्रैक के बेस पे। कुद्रेमुख ट्रैक का बेस शायद मुल्लोडी, मुल्लोडी गाँव है वो, वहाँ से वहाँ तक 120-130 किलोमीटर पड़ेगा। तो कुल मिला के आज की यात्रा जो है, आज की बाइक यात्रा, आज की राइडिंग जो होने वाली है, वो तकरीबन 170-180 किलोमीटर की होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला काम है इसका इंजन ऑयल चेक करना। इंजन ऑयल ओके है, ठीक है। इडली, एक इडली और एक राइस, राइस कार्ड कार्ड है ना, इडली वड़े और ना ले, तुम ना करते हो बंदू सांबर बड़ों ते चटनी सांबर आते हैं। हाँ हाँ सांबर डाल के ऐसा करके खाऊं एकदम बढ़िया। नहीं वो थोड़ा स्पाइसी है सांबर। ये कितने पैसे हो गए?
अभी हम मुल्लायनगिरी पीक पर हैं। ये पीक कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है तकरीबन 1900 मीटर से थोड़ी सी ऊपर है। और ये जगह है चिकमगलूर के पास, चिकमगलूर। वो यहाँ से सामने चिकमगलूर सिटी हमें दिखाई दे रहा है, एक बांध दिखाई दे रहा है छोटा सा, और बांध के उस तरफ है चिकमगलूर सिटी। और हालांकि आज चारों तरफ हल्की हल्की धुंध है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा नज़ारा। धूप उतनी तेज़ नहीं है, हवा ठीक ठाक चल रही है और गर्मी नहीं लग रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है और हमें इसके बारे में नहीं पता था, आज सुबह ही हमें इसके बारे में पता चला है। जैसे ही हम गूगल मैप पे चेक कर रहे थे कि मुल्लायनगिरी क्या चीज़ है क्या है, तब हमें पता चला कि ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमारे यहाँ से बेलूर से तकरीबन 60 किलोमीटर थी, तो हम तुरंत यहाँ आ गए। अब यहाँ से वापस चलने का टाइम हो गया है और अब जाएंगे हम यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर कुद्रेमुख की तरफ। कुद्रेमुख का ट्रैक कल करेंगे। ये जो चिकमगलूर है, कर्नाटक का चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट, ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको पहाड़ों के ढलान पे बहुत सारी कॉफ़ी देखने को मिल जाएगी। असल में एक कहानी हो गई, हमें जाना था चिकमगलूर से उधर मुल्लोड़ी की तरफ, मतलब के कुद्रेमुख की तरफ। तो हमने गूगल मैप में टाइप किया खटखट खटखट खटखट, तो उसने भी रास्ता बता दिया जैसा भी रास्ता बताया। अब हमारा दिमाग फिर गया, मैंने कहा नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे बताए रास्ते से, हम तो। और भैया जो रास्ता गूगल ने नहीं बताया था, हम उस रास्ते चले। तीन जगह रास्ता भटके, तीन जगह, कई जगह तो बड़े ख़राब ख़राब पैच मिले, बहुत ख़राब ख़राब। तो एक जगह तो 20 किलोमीटर आगे चले गए, लेकिन यहाँ एक बड़े मज़ेदार चीज़ हाथ लगी है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया कॉफ़ी है ना, हाँ कॉफ़ी का हब है, हब। हर तरफ आपको कॉफ़ी मिलेगी। तो हो सकता है गूगल वाले रास्ते पर हमें कॉफ़ी ना मिलती, लेकिन इस रास्ते पर हमें हर तरफ कॉफ़ी मिल रही है। कॉफ़ी के बागानों के अंदर कुछ छोटे छोटे इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, जहाँ पे यहीं की कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। तो फ़िलहाल हम एक ऐसे ही स्टॉल पे रुके हुए हैं,
कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे, आपको दिखाएंगे और फिर पेमेंट करके यहाँ से भाग लेंगे। कोल्ड कॉफ़ी एकदम मस्त है, मीठा ठीक, मतलब कॉफ़ी का फ्लेवर मस्त एकदम। ये कॉफ़ी है क्या? ये कॉफ़ी है? हाँ। फिर हमने पीछे जो देखा था वो गोल मटोल से अंडे अंडे से, तो वो क्या थे फिर? वो भी कॉफ़ी होगी। मान लो कि कॉफ़ी थी है। हाँ। और इसे भी मान लो कि कॉफ़ी है। हाँ। असल में हमें नहीं पता कि कॉफ़ी कौन सी है, मान लेते हैं कि यही कॉफ़ी है। तो अभी हम कॉफ़ी की टेरिटरी में, कॉफ़ी के किंगडम में, जो कि यहाँ से लेके और केरल तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है इधर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, बहुत बड़ा एरिया। वेस्टर्न घाट के पहाड़ों में बहुत बड़े एरिया में, हजारों वर्ग किलोमीटर के एरिया में कॉफ़ी की पैदावार होती है। तो अभी शाम के 5:30 बजे हैं और हमें यहाँ से 50-60 किलोमीटर और आगे जाना है, इसलिए हमें उतनी जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर कॉफ़ी के बारे में जानने की। लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में हम आपको कॉफ़ी के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हमें पता है वो इसके बारे में पता है, ये हुआ और ये हुआ, ये है ऑर्किड। कुद्रेमुख पीक जो है उसका ट्रैक मुल्लोड़ी गांव से शुरू होता है, और हम जब गूगल मैप पे उसे चेक कर रहे थे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे होम स्टे दिखाई दिए। तो हमने एक होम स्टे में फ़ोन करके पूछा कि क्या कमरे का क्या चार्ज है। उन्होंने बताया 800 रुपये पर पर्सन, उसमें खाना वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। उन्होंने बताया कि भाई कितना भी खाना खाओ 800 रुपये पर पर्सन पर डे है, यानी हमारे 1600 रुपये लगने वाले थे हम दोनों के। तो हालांकि इसमें खाना इंक्लूड है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ये हमारे बजट से बहुत ज़्यादा है 1600 रुपये। तो फिर मुल्लोड़ी से 10-15 किलोमीटर पहले एक जगह आती है कलश, कलश करके एक गांव है, तो ऑन रोड है। तो यहाँ पे हमने एक लॉज में बात करी, 500 रुपये में कमरा मिल गया, 100 रुपये में हम खाना खा के आ गए, 200 रुपये, 100 रुपये, 200, तो 700 रुपये में हमारा एक दिन का काम चल गया। कहाँ 1600, कहाँ 700, तो हमारे 900 रुपये बच गए। 900 रुपये हम किसी और दिन दावत में उड़ा देंगे मस्त। तो फिलहाल हम कलश में रुके हुए हैं और कल हम यहीं पे अपना सामान वगैरह छोड़ के मोटरसाइकिल से मुल्लोड़ी जाएंगे, मुल्लोड़ी से फिर कुद्रेमुख का ट्रैक करेंगे। कुद्रेमुख का ट्रैक कर्नाटक में और यहाँ पूरे साउथ इंडिया में बड़ा फेमस है। हो सकता है हमारे नॉर्थ इंडिया वाले दोस्त इस ट्रैक के बारे में ज़्यादा ना जानते हो, तो कल आपको हम कुद्रेमुख की ट्रैकिंग दिखाएंगे।